नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सेटरिंग वर्क। और जो अपना फर्स्ट फ्लोर की जो सेटरिंग हो चुकी है, प्लाई बिछ चुकी है, उस पर बीम और सरिये का जाल जो बन रहा है वो आपको दिखाता हूँ। मैं सारी डिटेल बताऊँगा, बने रहिए वीडियो में। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें ऊपर लेके चल रहा हूँ। आपको देखिए, ये सब लोहे के जैक लगे हुए हैं, शटरिंग करी गई है। ये देखिए, ये पूरी प्रॉपर शटरिंग की गई है। ये स्टेयर केस की शटरिंग है, स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेयर केस बन चुका है, ये देखिए, लिंटर डालने के लिए यहाँ पे पूरी शटरिंग करी गई है, पूरे जैक लगाए गए हैं, पूरा सपोर्ट दिया गया है, लटक बीम बनाई गई है। ये प्लाई के ये आचार की प्लाई होती है वो लगाई गई है, लकड़ी के बैटन देने के बाद में। ये देखिए, अभी ये यहाँ पे स्टेयर केस बनाने के लिए फर्मा बना दिया गया है प्लाई का, स्टेप बाय स्टेप। ये 6 इंची बाय 10 इंची का होता है, कई जगह 6.5 इंची बाय 10 इंची का होता है। ये बीम के लिए सरिया है, इसमें रिंग बांधा हुआ है, और ये 20 mm का सरिया है। इस रिंग को कहेंगे 20 6 और 16 3। 20 6 इसलिए है, सॉरी 20 6 नहीं है, 20 8 है और 16 3 है। 20 8 इसलिए है, 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में 16 mm 3। रिंग 8 mm का होता है। ये रिंग है। सरदार जी, कितने का रिंग बना रही है? हाँ, 15 4 का। सरिया कितने? 8 mm की है। 8 mm। अच्छा, 8 mm की सरिया है, 15 4 की रिंग बना रहे हैं। ये मेन हैवी बीम का है? नहीं, अच्छा, फ्लैट बीम का बना रहे हैं आप? जो 15 में सज्जे का आएगा, जो नहीं लोबी एरिया का, जाल के बीच में लोबी एरिया में जो पड़ेगा। ठीक है, होना चाहिए। सरिया का मोड़ इसमें पूरा, स्केल बनाना जरूरी होता है। कॉलम है, कॉलम को क्रॉस कर रहा है बीम। ये वाला बीम भैया 16 6 का है, ये वाला 16 में 6। हाँ, 16 6 का है ना। और जो रिंग है इसकी दूरी 6 इंची है, रिंग की दूरी 4 इंची
चार इंची छः इंची चार इंची छः इंची यहाँ पे चार इंची वहाँ पे छः इंची अच्छा में छः इंची ठीक है अच्छा वहाँ पे जाके चार इंची हो गया यहाँ पर एसटी टू में छः इंची है यहाँ से आगे सारा छः इंची अच्छा यहाँ से छः इंची है तो ये आगे का चार इंची है पूरा जो ड्राइंग में लिखा है ठीक है और ये जो क्रॉस निकाल रखा है ये एक्स्ट्रा सरिया है कितना है चार फीट ये क्रॉस एक्स्ट्रा सरिया जो है ये वाला ये ड्राइंग के हिसाब से कितना है बाप ने कहा होगा ना उसने ये तो 7 फुट है इस कॉलम से 7 फुट ये कॉलम में 7 फुट है ये आगे वाला इधर वाला कितना है इधर वाला आपका 4 फीट 4 फीट है ना हाँ ये वाला 20-8 का है और बीच में 16x3 है 20mm के 8 सरिये ऊपर नीचे और बीच में 16mm के 3 सरिये रिंग का गैप 4 इंची ऐसे जाके इसमें कॉलम में बेंड हो गया बेंड करना जरूरी होता है दीवार के किनारे जो चलता है साइड बीम ये 6-2 का 6x20 के 2x16 के सेटिंग के लिए प्लाई के ऊपर एक ऑयल लगाया जाता है जिससे कि सेटिंग खोलते टाइम प्लाई चिपके नहीं एक बड़ा सा लोबी एरिया है लोबी एरिया का ये बीम हो गया ये हो गया अपना डाउन एरिया वॉशरूम एरिया और ये अपना जीना हो गया स्टेयरकेस और ये अपना सामने लिफ्ट हो गई उसके बैक साइड में एक कॉमन टॉयलेट एरिया है टॉयलेट एरिया हमेशा डाउन रखा जाता है संकल के लिए आठ एम एम सरिया रिंग के लिए हाँ बसंत बाबू क्या बनवा रहे हो सरिये बनवा रहे बीम का करवा रहे हो अभी जाल नहीं करवा रहे हो अच्छा ये संकन एरिया जो है इसमें तो फ्लैट बीम आना चाहिए बीच में ये बड़ा बीम दे दिया क्या पार्टीशन है इसमें पार्टीशन अलग अलग है अच्छा अच्छा ड्रेसिंग का है ये ठीक है तो दोनों संकन में बना दिए ये वाला रिंग 6 इंची पे क्यों है इतना ये वाला 6 इंची पे का रखा है क्या ड्राइंग के अकॉर्डिंग
छह इंची है, वो आगे जाके चार इंची हो जा रहा है, एक मीटर तक से। इसमें एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है, अभी निकालेंगे सर ये एक्स्ट्रा, अभी डालेंगे, पीछे डालते जा रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा डालना जरूरी है, बिना एक्स्ट्रा चलेगा। और साइड में एकदम दीवार के किनारे जब मिलाते हैं तो बेंड भी जरूरी है। तो अपना ये जाल कब तक हो जाएगा, कल परसों तक? 25 तक, आज 23 है ना, दो दिन बाद हो जाएगा, मतलब 30 तक लेंटर डल जाएगा। 30 तक क्यों, 30 से पहले डलना चाहिए, पहले डलना चाहिए 25 को हमारा ये हो जाएगा। ये काम 26 को प्लम्बर मिलेगा, 27 तारीख को लेंटर डलना चाहिए, 27-28 तक कंप्लीट हो जाएगा। 27 क्लियर है, क्लियर है एकदम। ओके।